नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बलिया में स्मृति ईरानी बोली, पीएम मोदी की लोकप्रियता से पूरा विपक्ष परेशान है। लोकसभा चुनाव 2019 का कुछ ही घंटों में थम जाएगा चुनाव प्रचार, 12 मई को होगा मतदान। मोदी को राफेल का दलाल कहने पर सिद्धू को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। पीएम मोदी आज सजौर सोनभद्र में करेंगे विजय संकल्प रैली, सीएम योगी भी साथ रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार का बयान, कहा किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं कि वो भ्रष्टाचार को हटा सके। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा हम काले अंग्रेजों से देश को निजात दिलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज भभुआ और बक्सर में करेंगे चुनावी रैली। चुनाव आयोग का निर्देश, नमो टीवी पर पीएम मोदी के लाइव भाषण भी बंद हो। खुशवंत सिन्हा का बयान, कहा गुजरात दंगे के बाद मोदी को बर्खास्त करना चाहते थे वाजपेयी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा इनकी गलतियों के कारण करतारपुर साहब पाकिस्तान में है। नितिन गडकरी का बयान, कहा बीजेपी कभी अटल आडवाणी की पार्टी नहीं बनी, ना कभी मोदी शाह की पार्टी बन पाएगी। आज गोरखपुर में होगा सियासी घमासान, सीएम योगी सुबह 10 बजे करेंगे रैली। असम से सांप्रदायिक हिंसा, सड़क पर नमाज पढ़ने के कारण हुआ था विवाद। आतिशी के आरोपों पर गौतम गंभीर ने कहा साबित कर दे आप पार्टी तो मैं फांसी लगा लूँगा। स्मिथ और वार्नर के मौजूदा फॉर्म से खुश हैं ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन। 8वीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी के टीम का रिकॉर्ड। मसाबाता की शानदार हैट्रिक से साउथ अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 8 विकेट से हराया। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार के कंटेंट पर कंट्रोल को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। भोजपुरी के अमिताभ की कंजूसी का किस्सा, गोरखपुर में लोगों ने लिए खूब मजे। शाहिद कपूर ने कार का गेट नहीं किया बंद तो ट्रॉल्स ने कहा कि ये तो बेसिक मैनर है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे आई न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।